बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा तीसरे रोज़ भी मनाई गई। अभी भी लोगों का जो ईद मोड है वो डेफिनेटली ऑन है, लेकिन आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि इस ईद पर और इससे पहले कुछ अरसे से, कुछ दिनों से हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जो हालात देखे हैं, जिस अंदाज में वहाँ बारिशें हुई और उसके बाद सड़कों पर पानी खड़ा रहने की वजह से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अभी भी अगर आप देखें तो जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, आलाइशें जो हैं वो हर जगह नज़र आती हैं, ताफुन फैल रहा है, बदबू फैल रही है, बीमारियाँ जो हैं उनके बढ़ने के चांसेस हैं। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जिनसे भी बात आप करें, माहिरीन आपको ये बताते हैं कि कराची के अंदर ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनका सबब यही आलूदगी और गंदगी बन रही है। अभी तो इतनी बारिश नहीं हुई है कराची में, अगर माजी में देखें तो इससे ज़्यादा बारिशें होती रही हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि सड़कों से पानी निकालने में इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? फ़ौज को, रेंजर्स को बुलाना पड़ा है, वहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो मदद हमने देखी है। लोगों को जिस अंदाज में बोट्स पे निकाला गया, एक तो हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, खैर उनकी वो जो एक तस्वीर हमारे सामने आई सोशल मीडिया पर, उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया कि जनाब चंद इंच पानी है लेकिन वो जो है लाइफ जैकेट पहने उस बोट पर सवार हैं। हलीम आदिल शेख साहब भी उनके साथ हैं। बहरहाल PTI ये दावा करती है कि उनकी तरफ से मदद की गई है और उसके लिए अगर ऑन ग्राउंड जो लोग जो मकीन कराची के मुश्किल में रहे हैं उनसे अगर पूछा जाए तो ही सही अंदाज में पता चलेगा। इस बार जो एक सबब बताया जाता है कि सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, सीवरेज लाइंस जो हैं वो चोक हो गई हैं, पानी को निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। इन तमाम चीज़ों का आप कसूरवार, जिम्मेदार किसको समझते हैं? सूबाई हुकूमत जो है वो कहती है कि हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं हैं, उनके पास फंड्स भी नहीं हैं, वो किस तरीके से तमाम काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराती है कि स्ट्रेट अगर देखें 9 सालों से वहाँ इकतदार में हैं और कराची जैसे शहर की ये हालत है उसको सही कर नहीं सके तो अंदरून सिंध के क्या हालात होंगे, इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के हवाले से भी, उन पर जो कातिलाना हमला हुआ है, सिंध असम्बली में वो अपोजिशन लीडर हैं और उनके इस कातिलाना हमले में वो तो खुदा का शुक्र है कि बाल बाल बच गए, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें एक नया फिनोमेना हम देख रहे हैं, एक नई आउटफिट जो है मर्ज करती नज़र आई है अंसारुल शरिया के नाम से। आज की पेशरफ्त ये है कि क्वेटा टाउन कराची के अंदर पुलिस मुकाबला हुआ है, राव अनवार साहब की तरफ से ये दावा किया गया है कि 4 दहशतगर्द उसमें हलाक हुए हैं और उसमें भी एक जो दहशतगर्द हलाक हुआ है उसके हवाले से बताया गया कि वो मौलवी फजलुल्लाह का कज़न है और हमारे फ़ौजी अफसरान और अहलकारों पर हमले में मुलव्वस रहा है और साथ ही साथ मलाला यूसुफ़ज़ई पर जो हमला हुआ था उसमें भी वो मुलव्वस रहा है। और एक और चीज़ जिस पे आज हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे वो ये कि ये जो एक नई चीज़ हम देख रहे हैं कि जो हमारी एजुकेटेड लॉट है, जो हमारी यूथ है, वो क्यों इस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होती चली जा रही है। मिसाल के तौर पे इस पे जो एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया गया है अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अप्लाइड फिज़िक्स का स्टूडेंट रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले सफूरा गोट पर जो हमला हुआ था, सफूरा गोट सानहा जिसको हम कहते हैं, उसमें भी जो लोग मुलव्वस पाए गए थे वो भी हमारी ये नौजवान नस्ल थी, पढ़े लिखा जो हमारा तबका है वो इसके अंदर जो है हमें इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। राव अनवार साहब ने आज एक और दावा भी किया है कि ये जो हमले की जगह है वहाँ से एक मुबैना ख़त भी मिला है जो कि अंसारुल शरिया की तरफ से लिखा गया है और ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमला क्यों किया गया, उसके मुहरिकात, उसके रीजंस जो हैं वो उस ख़त में बताए गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो हैं वो अमरीका नवाज हैं और लंदन क़्यादत के आदमी हैं, यानी MQM लंदन क़्यादत के आदमी हैं, और साथ ही साथ उन पर एक और इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ये भी काम करते हैं। तो इन इल्जामात पर और इसके बाद ये हमला हो जाता है, अंसारुल शरिया नामी एक जमात हमारे सामने आती है जो जिम्मेदारी कबूल करती है इन तमाम चीज़ों पर, और कराची के जो हालात बने हुए हैं जिसमें सूबाई हुकूमत कहाँ, इन तमाम चीज़ों पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे।
सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। एमक्यूएम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और अली जैदी साहब भी आपके साथ कराची में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आज ही की जो नई खबर हमारे सामने आई है, जो मुबैना ख़त एक मिल गया है जाय वकूआ से, और उस पर हमें राव अनवार साहब ये बताते हैं कि जनाब इल्ज़ामात की फहरिस्त बड़ी लंबी है। लंदन क़यादत के आदमी हैं, अमरीका नवाज़ हैं और रॉ के लिए काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहायत ही अफसोस के साथ कि पहली बात तो ये कि हम उन मुहरकात की तरफ नहीं जा रहे कि आखिर क्या वजूहात थी, क्यों ये हमला हुआ। इस खत में वजूहात जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर राव अनवार साहब को मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा वैसे भी जानता हूँ, चूँकि वो माशाल्लाह से पंजाब में भी आते हैं, लाहौर में भी कहने के मुताबिक उनका कोई घर भर है शायद जिसमें वो आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं। वो जिस तरह के अफसर हैं, मेरा ज़ाती उनसे कतई तौर पर किसी किस्म का कोई वो नहीं है, लेकिन वो सनसनी फैलाने में बहुत मास्टर हैं राव अनवार साहब। अच्छा। और इल्ज़ाम लगा देने में, कह देने में, लिख देने में, चूंकि वो रैंकर हैं और शायद इन्हीं वजह से उनको तरक्की मिली है आज तक, ये तो मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मैं ही नहीं बल्कि कराची के जो लोग भी थोड़े से इनको जानते हैं वो इस बात को समझते हैं अब इस हद तक। बाकी अच्छा। मुझे नहीं पता वो करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। ये जब खत उनके पास गया, मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूं। वाकया ये ईद के दिन का, सुबह ईद की नमाज का है तकरीबन 8:30 बजे के करीब, और बल्कि सॉरी इससे भी पहले 7:30 बजे एग्जैक्ट मुझे, चूंकि परसों 7:30 बजे 7:45 बजे हमारी नमाज हुई थी, नमाज से पहले वो ये मैसेज आया कि जी इस तरह। सो बताने की बात ये है कि मैं खुद हैरान हूं कि अगर कोई खत था किसकी तरफ से था, आज ही ये जो अपना अभी आपने बताया अंसार अल शरिया, हमने भी सुना वहां पर अब्दुल करीम सरोश, जिनको कहा गया कि ये मरकजी कमांडर हैं उनके, चले बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, अप्लाइड साइंसेस के वो पढ़ते थे, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते थे, बिल्कुल दुरुस्त। देखिये हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा जामिया कराची के वो स्टूडेंट थे, बिल्कुल। अब आपने ये बात की यूथ, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा तवज्जो तलब बात है, स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि आखिर हमारी यूथ क्यों इतनी ज्यादा मुतनफर है उस निजाम से। जो पहले तो यानी आप ये जो राव अनवार ने इल्जामात लगाए हैं वो जो खत में क्लेम है, ये चीजें लिंक्ड हैं, आप मुस्तरद करते हैं कतई तौर पर, उसकी वजह ये है ख्वाजा साहब पर ये हमला, और यही राव अनवार ख्वाजा साहब को पकड़ने भी गए थे जिसमें, और मैं तो क्या समझूं कि इनका जाती अनाद है उनके साथ ख्वाजा साहब बिल्कुल। ये जब पकड़ने गए हैं, जरा इनके बयानात आप देखिए कि क्या था, किस तरीके से इन्होंने उनको पकड़ा, और चीफ मिनिस्टर, यही चीफ मिनिस्टर, तो आप इस खत को भी तस्लीम नहीं करते हैं? ये जो खत आज आया है मंजरे आम पर, देखिये मैं ये नहीं कह सकता कि जो वो खत उन्होंने रखा है, लेकिन मेरा सवाल ये जरूर होगा कि क्या खत आज मिला, 3 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, पहले उसको देख रहे हो चीजें, उनको किसने ये इख्तियार दिया? एक तो मुझे नहीं समझ आती कि ये वाहिद अफसर हैं जो हर चीज से बालातर हैं, कानून से बालातर हैं, जब चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जब चाहते हैं जिस पर जो इल्जाम लगा देते हैं, अपने किसी इमीडिएट बॉस को कुछ नहीं समझते, और इनके बारे में ये कहा जाता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब अभी जरूर इसके ऊपर जरूर वजाहत करेंगे अगर उनके इल्म में हो, वरना मुझे 100% श्योर है इंटेलिजेंस इदारों ने जो इनके बारे में रिपोर्ट दी हुई है कि इनका डायरेक्ट लिंक टॉप ऑफ द टॉप के साथ हमेशा ये रखते आए हैं, और इसी वजह से ये रैंकर प्रमोशन वाले हैं, ये अच्छा। काम की बिना पर, यानी वो जो आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, जो भी आप समझे बारह जरदारी साहब का तो बहुत चाहते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब, ये जो नया फिनोमेना हमारे सामने एक नई आउटफिट अब इमर्ज करती हुई नजर आ रही है अंसारुल शरिया, तो जरा इस पे रोशनी डालें। आज भी राव अनवार ने जो दहशतगर्द जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उसमें कहा कि मलाला यूसुफजई पर हमले में मुलव्वस था, एक दहशतगर्द मौलवी फजलुल्लाह का वो कजन था, फौजी अफसरान और एहलकारों पर भी हमले में मुलव्वस रहा है। तो ये अंसारुल शरिया ये कहाँ से आ गई आउटफिट? वो माजी की तरह के जनाब नाम चेंज कर करके वही लोग जो हैं वो किसी तंजीम को बनाते हैं और फिर इस तरह के हमलों में मुलव्वस नजर आते हैं?
जी ये इसी तरह कई तहरीर बनी हुई हैं, जैसे इंसारुल एरार है, फिर ऐसे अशरिया भी ये नई बन गई है। ये बहुत ही तंजीम नाम रोज़ाना चेंज करते हैं हर महीने दो महीने के बाद, ताकि ये सही तरीके से इनका पता भी ना चल सके। बात बेसिकली की है कि कराची में प्रॉब्लम चल रही है, कराची में पॉलिटिकल टर्बुलेंस भी है। ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि इसका सदेबाब किसने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर सिटी गवर्नमेंट। जब आपकी सिटी गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम हो रही हैं, पीपल पार्टी किसी और एक्सिस पर चल रही है, जो आपकी सिटी गवर्नमेंट है वसीम अख्तर साहब वो किसी और, क्रिबिंग आपके सामने है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम जो है MQM को इनको सिटी गवर्नमेंट को पैसा भी देंगे 15 अरब रुपया, कब आना है कैसे आना है, वो चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें इसकी वजह से अभाम पैदा होता है, और यही वजह है कि फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपके रेंजर भी वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते। मैं उस पर भी आऊंगी, मैं ब्रिगेडियर साहब परफॉर्मेंस पे भी आऊंगी, डिलीवरी क्या है, डिलीवरेंस वहाँ पे क्या है, क्यों नजर नहीं आती सूबाई हुकूमत, इस पे आई विल टॉक अबाउट दिस। बट ये जो ये दोबारा से ये कराची का अम तबाह करने की कोशिश जिसको कहा जा रहा है ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले पे, पहले मैं उस पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज CM सिंध भी जब ख्वाजा इजहारुल हसन से मिले तो उन्होंने एक बात की, वो कहते हैं कि हमले की साजिश जो है वो मुल्क में तैयार नहीं हुई है। तो आप इसको लिंक करते हैं कि मुल्क से बाहर से जो कुवतें हमेशा कोशिश करती रही हैं, ये एक बार फिर वही उसी की कड़ी है, कराची का अम तबाह किया जाए? देखें सादिया, ये तो कोई नहीं है ना कि बेसिकली ये एक नैरेटिव है कि कराची में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में इसमें टर्बुलेंस रखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रखें, डिस्टेबलाइज करें, वो फौज को ओवर स्ट्रेच करें, सिक्योरिटी एजेंसी को अपना काम सही तरीके से ना करने दें जो उनका एक्चुअल टास्क है, और फिर दुनिया को मैसेज जाए और CPAC डिले हो जाए। ये चीज़ें हैं बेसिकली जो नैरेटिव पे चल रहे हैं। रॉ का नैरेटिव इज़ वेरी क्लियर, फिर अफगान इटालियंस आपके साथ क्या कर रहे हैं, फिर अब ये ट्रंप की जो पॉलिसी आई है उसको आप देखें, तो ये सारी चीज़ों में जब 2+2 करते हैं देन यू कम टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट आर देयर डिजाइंस। डिजाइन आर वेरी सिंपल, रॉ देन मोसाद एंड देन अफगान इटालियंस विद वन ऑफ द आपकी सुपर पावर्स के साथ मिलके उन्होंने ओपन कहा है कि हमने CPAC मंसूबा हमें नहीं चलने देना, वी डोंट वांट बिकॉज यू आर एन इस्लामिक कंट्री, यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री, एंड इन केस यू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट देन यू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और आपकी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ऐसी है कि आप दुनिया की नज़रों में आंखों में आंखें डाल के अपने कौमी मफादात में फैसले कर सकते हैं जिनको नहीं पसंद है। ये एक नैरेटिव है जिसको हमने डिफीट करना है। आपकी अदलिया ने काफ़ी हद तक इस पर काम कर दिया, लेकिन कुछ कुव्वतें अभी भी काम कर रही हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इंग्लैंड में आपको नज़र आ रहा है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, किसके साथ नेक्सस है उनका, क्या कुछ आपके सामने हो रहा है, क्यों नहीं हमने फिजिकल एक्शन किया, आर दे अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्या गवर्नमेंट आपकी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट आवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं करना चाहती कि नहीं करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, यानी अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो ये मसला नहीं रह जाता समझने में कि ये साजिश कहां से तैयार हो रही है, कैसे और से हो रही है। आपने विफाकी हुकूमत की बात की, आज वाला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि जनाब उन्हें इस बात पर तशवीश है कि बहुत सारी तंजीमें जो विफाक को बैन करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की, कलदम तंजीमें वो क्यों नहीं हैं। इस पे भी मैं बात करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, अली जैदी साहब की तरफ ये सवाल लेकर जाएंगे कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि रॉ हो गई, CIA, NDS, मुसाद, कोई भी एजेंसी या बाहर की जो भी ताकतें पाकिस्तान का अम तबाह करने की कोशिश कर रही हैं या चाहती हैं ऐसा हो, देन वाई ख्वाजा इजहारुल हसन? क्योंकि इस खत में जो मुबैना खत हमारे सामने आया है राव अनवार साहब की तरफ से, वो तो ये कहते हैं कि जनाब ये अमरीका नवाज MQM लीडर हैं और ये खुद रॉ के लिए काम करते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले के हवाले से अली जैदी साहब क्या समझते हैं, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, यू वॉचिंग 92.8 विद सादे अफजाल। अली जैदी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस अटैक को, और आज उसके बाद उस हवाले से जो इंकशाफात किए हैं राव अनवार साहब ने, 4 दहशतगर्द भी मारे हैं, उसमें भी हमारे सामने आया कि कौन कौन किस किस हमले में मुलव्वस था, और ये जो मुबैना खत आ गया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के हवाले से अंसारुल शरिया का, इस पर आप क्या कहेंगे? सादिया, ईद मुबारक आपको भी और सब मेहमानों को भी और आपके सारे सुनने वालों को भी। बहुत शुक्रिया। मैं जिस दिन ये हुआ भाई, बहुत शुक्रिया।
میں جب نکلا صبح عید کی نماز پڑھ کے, تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں سیدھا وہاں سے کچھ دوستوں کے ساتھ خواجہ صاحب کے گھر گیا بفر زون میں, ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہاں پہ ساری قیادتیں بیٹھی تھی ایم کیو ایم کی. اس کے بعد میں وہ جو کامران صاحب ہیں جن کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ان کا بیٹا شہید ہو گیا 14 سال کا معصوم بچہ, ان کے پاس بھی گیا. تو عید تو بڑی ڈپریسنگ شروع ہوئی تھی, بیکاز کسی کو 14 سال کا کوئی بیٹا اٹھا رہا ہو اپنی لاش, وہ اٹس ویری ڈیویسٹیٹنگ ٹو سی جس طرح وہ رو رہے تھے. کل ہم وہ ان پولیس والے جو شہید ہوئے ان کے گھر بھی کل گئے تھے. اس بیچارے کے جو شہید ہو گیا پولیس والا, اس کا 4 سال کا بیٹا ہے اور اس کی کوئی 12-13 سال کی بیٹی ہے, وہ ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے بابا کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں دیکھیں سعدیہ, میں تھوڑی سخت بات کروں گا لیکن سچ بات میں یوزلی تھوڑی سختی ہوتی ہے, کوشش کروں گا کہ نرم رکھوں. دیکھیں جب آپ کی یارڈ اسٹک فرق ہوگی نا, جب آپ الگ یارڈ اسٹک رکھیں گے نا, لا لا ٹو انفورس لا, یارڈ اسٹک ہیز ٹو بی دا سیم. جو قانون مجھ پہ نافذ ہوتا ہے نا, وہی بریگیڈیئر صاحب پہ بھی ہونا چاہیے اور وہی سینیٹر صاحب پہ بھی ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ نے یارڈ اسٹک چینج کی نا, اس کا مطلب ہے آپ نے سوسائٹی میں ڈس بیلنس کریٹ کر دیا, آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. جب آپ ڈس بیلنس کریٹ کرتے ہیں, جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, دیر آر نو باؤنڈریز ان لو, سعدیہ دیر آر آلسو نو باؤنڈریز ان ہیٹ. جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, پھر وہ جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, پھر اس نفرت کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. جس کو پولیٹیکل سہارا مل جاتا ہے وہ پولیٹیکل دہشت گرد بن جاتا ہے, جس کو ریلیجس سہارا مل جاتا ہے وہ ریلیجس دہشت گرد بن جاتا ہے, جس کو کوئی نہیں ملتا وہ ایسی دہشت گرد بن جاتا ہے, مانے وہ کوئی نہ کوئی اس کی سرپرستی کر دیتا ہے. اصل میں جو بھی شخص, چاہے سیاسی ہو, چاہے جماعت ہو, چاہے مذہبی جماعت ہو, کوئی بھی جماعت ہو, اگر کوئی شخص یا کوئی آرگنائزیشن اپنے ڈفرینسز کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ڈائیلاگ سے سالو نہیں کر سکتی اور بندوق اٹھا لیتی ہے یا بندوق اٹھا لیتا ہے کوئی شخص, وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے, ارسپیکٹو کہ وہ ریلیجس ہو یا وہ سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو. اس کے اندر جو کراچی کا حال ہے, اس میں سب شامل ہیں, یہ کلیکٹیو فیلئر ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں خالی, مطلب یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ 8 سال سے 9 سال سے بیٹھی ہے, یہ فیل ہوئی ہے. 100% پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فیلئر ہے, پورے سندھ میں فیلئر ہے, خاص طور پہ کراچی میں, جو کہ کراچی پاک دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا ہوگا اگر صحیح طرح کر لیں, ہم ابھی بھی دوسرا تیسرا کہہ رہے ہیں. تو فیلئر ہے, اور اس سے پہلے کی گورنمنٹ بھی فیلئر تھی, ملٹری گورنمنٹ جو تھی بالکل فیلئر تھی. اس زمانے میں کرمنلز کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اس زمانے میں کرمنلز اسمبلیوں میں پہنچ گئے, کیس معاف ہو گئے, این آر او ہو گئے. سو دیئر فور یہ کلیکٹیو, دیکھیں سکسیس آف اے نیشن اور سوسائٹی کلیکٹیو ہوتی ہے اور فیلئر بھی کلیکٹیو ہوتی ہے. سو وی مسٹ ٹیک آل آف اس, کراچی کے حال میں وی ہیو ٹو ٹیک کلیکٹیو بلیم. سولوشن کیا ہے؟ ٹھیک, جو میں نے آپ سے پہلے کہا, سولوشن از, جی 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 فرمائیے, جو ایک لائن کا ہے, ایک سیکنڈ تھا دیا, اس کے بعد آپ دوسری بہت اس کو مائکرو پہ ڈیوائن کر سکتے ہیں. رول آف لا ہیز ٹو بی ایکول فار آل, یہ آپ نہیں کر سکتے. میں خواجہ صاحب کے گھر گیا, میرے دوست ہیں, لیکن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خواجہ صاحب, اظہار صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اگر ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو ان کو اگر آپ ایکسٹرا سیکیورٹی دیں تو پھر کراچی کے ہر شخص کو. بالکل بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میں ناروے کے پرائم منسٹر کا واقعہ یاد ہے جس کی بیگم نے بالکل سیکیورٹی دی, اسی لیے تو پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سیکیورٹی نہیں دی ہوتی تو پولیس اہلکار شہید کیسے ہوتا جن کے ساتھ تھا. چند ہفتے پہلے, چند مہینے پہلے سیکیورٹی تمام ان سے واپس لے لی گئی. اچھا, فاروق ستار بھائی نے لکھ کر دیا. علی بھائی ایک سیکنڈ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بات یا آپ بات ختم کر لیجیے, بولیں سر. نہیں نہیں آپ بولیے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ٹیبل جیسے سموتھ ایک لیول سب کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی زیدی کے لیے الگ قانون ہے, وہ معاف ہے اور سینیٹر صاحب پکڑے جائیں. فلی اگری, آئیڈیل اگری, اور خاص طور پر معاف کرنے کے لیے. دیکھیے یہ بہت زیادتی والی بات ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2010 میں رضا حیدر بھائی جو ہمارے ایم پی اے تھے, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جنازے سے باہر نکلے, ان کو شہید کر دیا گیا. 2013 میں ساجد قریشی بھائی ایم پی اے تھے, وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے, وہ بھی اسی طرح, اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. 2014 میں
یہ میں کیوں بتا رہا ہوں جی. ایک منٹ میں آ جائیں گے. 2014 میں حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا, 2015 میں رشید گوڑیل بھائی پر حملہ ہوا, متعدد قسم کے حملے ہوئے, ہمارے ساتھی شہید ہوئے. آج تک کتنے واقع میں ہی ٹارگٹ کلر ہیں جن کو سزا ہوئی, جو پکڑے گئے, جن کو مار دیا گیا, یہ کہا کہ جی یہ انوالو تھے یہ نہیں. اب خواجہ صاحب نے ایک بات کی, خواجہ صاحب نے کہا کہ جناب ایجنسیز اوبویسلی تمام چیزیں کر رہی ہیں جی. ملزمان کو پکڑنے کے لیے کون لوگ جی. ملوث ہیں جی. لیکن اس کے محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں کیا گیا. ہمیں افسوس کس بات کا ہے کہ ایجنسیز تو ضرور کر رہی ہیں, کرتے کرتے درمیان میں ایک خط ڈال دیا, اس کے بعد اظہار بھائی کو جو ہے نا کسی میں, اور میں پھر بار بار کہوں گا جو فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ جناب لندن سے دھمکیاں آ رہی تھیں, جناب کہیں سے بھی ہو, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دھمکیاں ان کو آئی ہیں, انہوں نے کہا ہے, وہ بات ہے. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. جب ہم نے کہہ دیا, فاروق ستار بھائی نے لکھ کر دیا, ایم این ایز نے لکھ کر دیا ہمارے, ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ آج اگر خدا نہ کرے اظہار بھائی کے ساتھ کچھ ہو جاتا, کون ذمہ دار تھا ان کا؟ ان کا خاندان تو برباد ہو گیا تھا نا, کس لیے؟ کیا یہ سندھ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ کیا سندھ پولیس صرف اور صرف تمام سندھ کے, جو پولیس والا مر گیا جی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 14 سال کا بچہ مرا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو یہ پولیس والے ہوئے جو اپنے, اور یہ اب کہا جا رہا ہے جس کو کہ جی انہی لوگوں نے, بالکل ہوگا ایسا کہ جو پچھلے دنوں میں ایک نئی ویو آئی تھی جس میں متعدد پولیس والے, ہمارے خاص طور پر یہ جو وارڈنز ہیں ان کو شہید کیا گیا, پولیس کے افسروں کو شہید کیا گیا. جب یہ ویو آئی, ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ساتھیوں کو آپ نے جو صرف یہ کر لے کہ جو آپ نے واپس لے لیے سیکیورٹی, وہی سیکیورٹی دے دے, نہیں دی گئی. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل سندھ گورنمنٹ کی بالکل ملوث ہونے والی بات ہے, اپوزیشن لیڈر ہے دیٹ از اور ان کے لیے ان کو سیکیورٹی نہیں دی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ جو تھے وہ کون تھے, کتنے پولیس والے تھے, یہ سمجھ لیجئے گا. لیکن جو وہاں موجود تھے, یہ میں نے خود سنا انور سے, آپ سب کہتے ہیں کہ جناب پولیس شہید ہوئے, پولیس والے وہاں موجود ضرور تھے, وہ تو ہر مسجد کے باہر ہوتے ہیں, وہ ساتھ سیکیورٹی ساتھ نہیں تھے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد جی, کے باہر بالکل وہ مسجد والے تھے, پولیس والے جو ہیں right. اور یہ ابھی آئی جی صاحب اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب جو ہے نا وہ اب پنجابی کہنے رہے ہیں گونگلیوں تو مٹی چاڑنے والی گال کر رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل, دس از آل ریسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ کہ جب بھی کہیں پر کوئی معاملہ ہو تو اس کو جتنے لوگ جو ٹارگٹ, اور یہ ایسا نہیں ہے, انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس موجود ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں ہمارے انفارچونیٹلی جتنے بھی حادثات اور سانحات ہوتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے جناب انٹیلیجنس رپورٹ تو تھی, انفارمیشن تو ہم کیا کریں گے, کرتے نہیں. اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی نہیں ہیں. فور ا شارٹ بریک, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ سندھ حکومت کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف میں یہ نقطہ لانا چاہوں گی جو کہ کافی اہم ہے, اور جس طرح پہلے میاں صاحب نے بھی بات کی تھی یہاں پہ کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یا ان کا رجحان جو ہے وہ اس جانب بڑھ رہا ہے؟ سفورا گوٹ والا اگر آپ انسیڈنٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی پتہ چلا جناب, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے اپلائیڈ فزکس کا یہ اسٹوڈنٹ رہا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر, ایون پنجاب میں بالکل. اور میں آئے مائی سیلف انٹرویوڈ نورین لغاری, وہ والی چیزیں جو اس نے بھی بتائیں کہ جناب وہ داعش نے سوشل میڈیا کو کس انداز میں یوز کیا اور کس طریقے سے اس کو برین واش کیا گیا. سو یہ کیوں نوجوان طبقہ ادھر آپ کو زیادہ ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, بیسک بات یہ مجھے بتائیں, یہ ایک جو سفورا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا, نورین لغاری کا ہوا, اس کے بعد واٹ میئرز ور ٹیکن بائی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزنز وائی دس ٹائپ آف ا مائنڈ سیٹ از کمنگ ان ینگ مائنڈ, اس کو ہم نے کیوں نہیں انالائز کیا, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ایک مافیا کام کر رہا ہے, وہ بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے. اب پھر ظاہر ہے کہ سوشو اکنامیکل پرابلمز آپ کی ہیں, جب ایک ینگ مائنڈ ہے وہ پڑھ لکھ کے نکلتا ہے, اس کو جاب نہیں ملتی ہے, گھر میں اس کے سوشل پرابلمز ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنا ہے, تو واٹ ہیل ڈو. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہم نے کوئی ان یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہم نے کوئی جا کے وہاں پر ان کو کوئی بریف کیا,
आपने वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि हर कॉलेज में फैकल्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने कि ये स्टूडेंट था, ये बड़ा अच्छा था, सडनली ये खामोश रहने लग गया है, ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये रात को पेरेंट्स देखते हैं इंटरनेट पर बैठा हुआ है, कोई लोग उससे मिलने आ रहे हैं, जैसे अभी ये कराची का इंसिडेंट हुआ है, मदर उसकी खुद कह रही है कि उसके बाद लोग आते थे, रात को मिलते थे, ये करते थे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर आके हम कहते हैं ये गवर्नमेंट की, प्रोवेंशल और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम कंप्लीट नहीं करते हैं, और वो दूसरा माफिया वो ज़्यादा हावी होता जा रहा है। इसको हमने काउंटर करने का कोई अरेंजमेंट किया? हमने कोई उलमा की कॉन्फ्रेंस उनको भेजा यूनिवर्सिटीज में, बताओ बच्चों से पूछे व्हाट आर द रीज़न कि वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया पर मैसेज दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ये तो एक साइड हो गई इसकी। फिर आप कराची की हम बात करते हैं, आपने कराची को सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया? कब से हम कह रहे हैं कराची सेफ सिटी बनना है, इसकी प्लानिंग करनी है, ये कितना पैसा लग जाएगा? आपने अरबों डॉलर रुपीज आपने कराची में लगा दिए, बिल्कुल सही है, कहाँ गए पैसे? वो हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ये बताइए, कल ये इंसिडेंट हुआ, अगर हमने पूरी स्टेट में ओवरलैपिंग कैमराज लगाए होते तो ये मुलजिम कहाँ से आए, टेररिस्ट, क्या वारदात की, किस गली से निकले और अल्टीमेटली किस घर में जाकर अरेस्ट किया? सारा ओवरलैपिंग कैमरा उसको बता देता, पकड़ा जाता हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। आप यहाँ पर वैलिड पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही है कि क्यों नहीं मॉनिटरिंग, और वैसे भी हम सुन रहे होते हैं कि इतने अरबों रुपए यहाँ लग गए और वो करप्शन हो गई तो ये हो गया, तो सेफ सिटी में आपका सवाल बजा है कि उसमें कितना पैसा लग जाता, प्रायोरिटी क्या है? मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा सिंध हुकूमत का मौकफ भी आ जाए, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब। जी वालेकुम सलाम। सुमरो साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो ख्वाजा इजहारुल हक पर अटैक हुआ है, एक तो आज सीएम साहब ने कहा है कि ये हमले की साजिश पाकिस्तान में नहीं हुई है, विफाक को कहा गया, हमें इस बात पर तश्वीश भी है कि बहुत सारे आउटफिट्स को बैन क्यों उन्होंने नहीं किया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी सेनेटर मियां अतीक साहब भी बैठे हुए हैं और एमकेएम के दीगर लीडर्स की तरफ से भी शिकवा आया है कि जी अपोजिशन लीडर हैं वो सिंध असम्बली के अंदर, क्यों सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो ये बात सही है कि सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, न वो सिर्फ अपोजिशन के हम लीडर हैं बल्कि बजात खुद भी वो बहुत अच्छे इंसान हैं और पार्लियामेंट में है, तो मुझे तो जाती तौर पे भी उनके साथ एक ताल्लुक है, ये तो बात अपनी जगह पे है। लेकिन जहाँ तक मुल्क की हालात और खसूस 9/11 के बाद जिन हालात से पाकिस्तान या पूरी दुनिया गुजर रही है, उनके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। आपने इतने बड़े ऑपरेशन किए हैं, सवात ऑपरेशन किया है आपने, आपने ऑपरेशन किया रतन फसाद अभी चल रहा है, आपने इससे पहले जो बड़ा ऑपरेशन किया जो दुनिया की तारीख में कभी उसकी मिसाल नहीं मिलती, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हो रही हैं। लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इसकी रोकथाम के लिए जितने इकदाम किए जाए वो तो बेहतर है। तो सिंध हुकूमत क्या कर सकती थी इस हवाले से? चलें ये बता दें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असरात उसके अभी तक हैं, लेकिन ये अंसारुल शरिया कहाँ से आ गई? अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि हमेशा हर इंसिडेंट के बाद हमें पता चलता है कि जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं किया जाता उससे पहले। जैसे मैं एक बात बुनियादी तौर पर कर दूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह की जा रही तनजीमें बनाई जा रही है और मुख्तलिफ नामों के साथ वो ऑपरेशन कर रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो अपना दहशतगर्दी का उनका नेटवर्क है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अगर उसको गहराई में देखा जाए तो हमारे करीबी ममालिक है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, वहाँ से दहशतगर्दी जो है वो ज्यादा हो रही है, वहाँ से इनको इंकरेजमेंट मिल रही है और फंडिंग हो रही है, तो ये बहुत सारे इशूज हैं। पहले तो हमें इन चीज़ों को एडमिट करना चाहिए। अगर आप ये समझें कि नहीं सिर्फ एक वाक्य को लेकर के हम कहें जी किसी गवर्नमेंट की नाकामी है, इस तरह तो नहीं है। अब आपने पंजाब में देखा, अच्छा। लाहौर में इससे पहले दो तीन वाक्य हो चुके थे, मुझे बात पूरी करनी दे। अच्छा मैं सवाल दोहरा देती हूँ, मियां साहब भी उसको जरा एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी वापस वो कहते हैं क्यों ली ख्वाजा इजहार? नहीं, मेरे ख्याल में तो सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है किसी की, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
कि तमाम सर उन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिनको ट्रू सेट में थ्रेट है अपने और थ्रेट को सच है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्लियामेंट्री में उनको भी थ्रेट है, पॉलिटिकल सेक्टर में उनको भी थ्रेट है, या इसके अलावा इंडिविजुअल्स है उनको भी थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। अच्छा चलें, ये तो आपने कहा कि जनाब पूरी दुनिया के ठीक है, आपने कहा कि 9/11 के बाद के असरात हैं, फाइट कर रहे हैं और किसी एक वाक्य पे हुकूमतों को नाकाम नहीं कह देना चाहिए। चलें दुरुस्त बात है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, आप प्लीज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, मैं जरा ब्रेक से वापस आऊंगी। तो जो गवर्नेंस का इशू है और खासकर अभी जिस तरह से बारिश हुई है, माजी में इससे ज्यादा बारिशें होती रही हैं, लेकिन इस बार आपका सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा नजर आया है, सीवरेज लाइंस जो है वो चोक रही हैं, मैं जरा उस हवाले से भी बात करूंगी। अली जैदी साहब की तरफ भी जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली जैदी साहब चलें, एक तो ख्वाजा इजहारुल हसन वाले वाक़े को लेके सुमरो साहब कहते हैं कि हुकूमत को नाकाम नहीं कह देना चाहिए किसी एक इंसिडेंट पे, लेकिन ये जो कराची में हुआ, ये बारिशों के बाद जो कुछ हुआ, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे तमाम जमहूरी लोग बात सही करते हैं, लेकिन अगर इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, नारे लगाते हैं, दावे करते हैं, जनाब सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इदारे तो आपके सिविलियन काम करते कोई नहीं है, बारिश का पानी निकालना पड़ जाए तो फौज को बुलाना पड़ जाता है, गटर नाले तो खोले नहीं जाते, सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करेंगे। आप पहले प्रॉब्लम को समझें, ये खाली प्रॉब्लम नहीं है कि बारिश हो गई और बारिश से पूरा शहर डूब गया। हाँ। बारिश अगर कल हो जाएगी, कल भी शहर डूब जाएगा, इसकी रीजन क्या है और इसका आज हम कहाँ थे, हम कहाँ से कहाँ गए, सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूँ। मैंने आप लोगों को तस्वीरें भी भेजी थी कल, क्योंकि मैं कल जो है सारा दिन निकला हुआ था, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, लियाकतबाद में भी और गोलीमार में भी, कश्मीर कॉलोनी सारा, वो जो वहाँ जो हालात देख के आया हूँ ना, मतलब मैं शर्मिंदगी थी कि कोई ये कोई जानवर भी शायद ऐसे ना उन हालात में रहे, कोई बीमार ना हो, जो हालात वहाँ पर थे। देखिए कराची में एस्टिमेट्स के मुताबिक 12,000 से 14,000 टन डेली गार्बेज कलेक्ट होता है या जमा होता है या प्रोड्यूस करती है कराची। इनके अपने एस्टिमेट्स हैं सीडीजी के, कह के 2020 में 20,000 टन पे पहुंच जाएंगे हम डेली, ठीक है जी। इसमें से ये जो ये करते हैं वो लैंड, इनके पास जो लैंडफिल साइट्स हैं दो हैं, वहां पे ये 35-40% कचरा वहां जाके डंप करते हैं, उसमें से एक लैंडफिल साइट उन्होंने प्राइवेट कर दी है, एक उनके पास है जो वेस्ट में है। अच्छा, जो बाकी है वो कचरा या जलता है या गाय भैंसे खाती हैं या वो कचरा स्टॉर्म ड्रेन्स में चला जाता है। जो ये स्टॉर्म ड्रेन्स जो क्लॉग हो गए हैं, उनकी क्लॉगिंग की वजह से पानी निकल नहीं सकता और वो पानी फिर वो स्टॉर्म ड्रेन्स को सारे कचरे को लेके वो पानी राइज करता है जब बारिश होती है और वो सारा पानी शहर में आ जाता है। इस मुल्क का हाल यह है, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तानी रहते हैं कराची में, कि और वो जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी कराची के हैं। इसका हाल यह है जी। हमारा हमारी गवर्नेंस का कि हम अपना कचरा भी नहीं उठा सकते, उसके लिए भी हम चाइनीज ठेकेदार बुलाते हैं या बैरिया टाउन को हम जाके बोलते हैं मलिक रियाज को कि कचरा उठाओ। मैं पता चलता है चीनी कंपनियों को ठेका दे दिया। प्लीज मेरी एक ये बात गौर से सुन लें, बिकॉज ये मैं आपके आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं ये आवाम को समझाना चाहता हूँ। देखिए आप जब जाते हैं ना मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल पंप पे और आप उसको बोलते हैं 100 रुपए दे के, बोलते हैं कि यार मेरी मोटरसाइकिल में 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, अगर वो 100 रुपए आपसे ले ले जेब में रख ले और बोले मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा, आप उसके बाद क्या करेंगे? उधर लड़ाई होनी है ना, वहां प्रोटेस्ट होगा, लड़ाई हो जाएगी। जब ये एक ट्रांजैक्शन है आपके और दुकानदार के या पेट्रोल पंप के बीच में, ये सेम ट्रांजैक्शन है हमारे सिटीजन्स के और हुकूमत के बीच में। 45 रुपए जो वो टैक्स लेती है आपसे हुकूमत, या पेट्रोल पे या बिजली के बिल पे या हर चीज पे जो टैक्स लेती है, ये ट्रांजैक्शन है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है ये 5-7 चीजें प्रोवाइड करने के लिए, आपका पैसा लेके आपको काम नहीं करके दे रही। ठीक है, इससे पहले कि मैं सुमरो साहब आपसे जवाब लूं, मियां साहब आपके सवाल से कहना चाहूं, नहायत ही इख्तसार से एक बात कहूंगा जी। देखिए ये एक साजिश है सिंध गवर्नमेंट की पूरे कराची वालों के खिलाफ, चाहे मेरे भाई को बुरा लगेगा, बट दिस इज द फैक्ट।
کراچی میں 18 بڑے نالے ہیں اور کچرے کی جہاں تک بات ہے یہ ایک سازش کے تحت کچرا نہیں اٹھایا جا رہا آج پچھلے کئی ڈیڑھ سال دو سال سے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ سازش یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہے اور وہ کس کا کون ساتھ ہوگا اس میں, پیسے اس میں سے کس کو ملیں گے, یہ کیا ہوا 18 نالوں میں سے دو نالے ہیں, میئر آپ کا ہے سینیٹر صاحب معذرت کے ساتھ میئر آپ کا ہے, اور میئر کے پاس اختیار نہیں ہے, میئر کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میئر کے پاس نہیں ہے, پہلے کے ایم سی میں میئر کے اختیار میں تھا, یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جی, ابھی وزیر بلدیات کے پاس یہ ہے جو حقائق کی بات ہے اس کو سمجھیے بھائی, اصل میں ابھی 18 میں سے صرف دو نالے جو 50% چل رہے ہیں, باقی 16 نالے جو ہیں وہ 75% چوک ہیں, ان میں تو سارا کچرا بھرا ہوا ہے, کچرا اٹھایا نہیں گیا, اس لیے جو بھی جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بارش تو ماضی میں بھی نہیں, تو اس کا پہلے یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیوں کچرا نہیں اٹھایا گیا, کچرا کیا کے ایم سی نے اٹھانا تھا, ایم سی کے بجائے وزیر بلدیات کے پاس چلا گیا, وزیر بلدیات نے اس کا ٹھیکہ دے دیا, ٹھیکہ دینے والی چائنیز کمپنی نے ابھی تک کام نہیں شروع کیا, صرف دو زونز میں ابھی تک انہوں نے کام شروع کیا, کیسے اٹھایا جائے گا, یہ نہیں اٹھایا گیا, نالے بھرے ہوئے ہیں, سارا پانی باہر آ گیا, اور یہ ظلم سندھ حکومت نے کیا ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس سومرو صاحب؟ میں نے تمام دوستوں کی بات سنی ہے, ابھی بھی کراچی میں میں جس روڈ پہ گزر رہا ہوں مجھے تو کہیں قطرہ پانی نظر نہیں آ رہا ہے, ماشاء اللہ. سعدیہ آپ ابھی چلائیں, میں نے آپ کو تصویریں بھیجی ہیں, میں آپ کو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈیفینس سے نکلتے نہیں ہیں, ان کو کچرا کیسے نظر آئے گا, اگر ایک ڈراپ پانی کا بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ابھی میں آپ کو دعویٰ سے سر وہ راستہ سارے کراچی والوں کو بتا دیں جہاں پہ پانی اور کچرا نہیں ہے, ایک روڈ کی بات نہیں کرنی, پوری کراچی کو اسی طرح صاف رکھنا ہے, نو ڈاؤٹ. اب دیکھیں ایم سی ایم بھی اپنی ذمہ داری پوری لے, ان کا میئر ہے, ان کے نیچے دو ایم سی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں اپنی ریسپانسبلٹی صرف تنخواہوں کے پیسے دیتے ہیں اور کچھ نہیں, صرف تنخواہوں کے پیسے, اپنی ریسپانسبلٹی کو شیئر کریں اور مل کر کے ہم دیکھیں, جہاں صرف وزیر بلدیات کی بات ہے, صرف گورنمنٹ کی بات ہے, سب کی ذمہ داری ہے, تو میئر صاحب کی بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے, اگر میئر صاحب بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس شہر کو اپنا شہر سمجھے, بھائی میئر کو اختیار تو دے, میئر کو پیسے تو دے, تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں مل رہے میئر کو, میئر بیچارہ کیا کرے گا, بلدیات کے انڈر آتا ہے, ان کے کنٹرول میں ہے ادارے, تمام تر بجٹ جو فنڈنگ ہے ان کی ان کو پراپر دی جا رہی ہے, تاکہ کراچی سر 36 کروڑ روپے ٹوٹل دیے گئے ہیں, اس سال میں کوئی پیسہ نہیں آیا, سہولیات پہ توجہ دی ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق ملے, جس میں صفائی ہے, جس میں صحت ہے, جس میں تعلیم ہے, جس میں صاف پانی ہے, یہ چار یہ باتوں کی حد تک ہے جناب, اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, بریگیڈیئر صاحب یہ بلیم گیم اگر اس طرح چلا, وزیر بلدیات نہیں وہ کہیں نہیں ایم کیو ایم کا میئر ہے, وہ ریسپانسبلٹی لیں, وہ کہیں نہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, تو پھر تو ہو گیا کام, اور نہیں انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی یہ کہہ کے وہاں پر پانی ہے ہی نہیں ہے, ساری دنیا کے سامنے وہ ہے, وہ پتہ نہیں یہ کوئی ہوائی جہاز سے اوپر اوپر اڑ کر جا رہے ہوں گے کہیں پر جہاں پانی نہ ہو, ہوا میں تو پانی نہیں ہوتا, روڈ تو سارے گھروں کے اندر پانی ہے, ابھی علی زیدی بتا رہے تھے کہاں کہاں پانی ہے, میں دعوت دے رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, یقین کریں یہ سارا فیصل میں وہاں سے بہت آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کو نہیں پانی اور کچرا مل رہا کراچی کے اندر نظر نہیں آ رہا, مجھے میرے ٹائم ختم ہو جائے گا, بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کامنٹ سر آپ کا. دیکھیں بیسیکلی سعدیہ بات یہ ہے کہ ایک سسٹم آف گورنمنٹ چلانے کے لیے چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو گڈ گورننس چاہیے, میرٹ کے اوپر ساری پوسٹنگ چاہیے, تھرڈ یہ کہ اس کو آپ کے اکاؤنٹ وہ آپ کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے, فورتھ اکاؤنٹیبلٹی, یہ چاروں چیزوں کا فقدان ہے, آپ گورننس اچھی کریں, وی تھاٹ کے چیف منسٹر نئے آئے ہیں وہ سارے, لیکن اب آپ کے سامنے تھوڑی بارش ہوئی کیا نظر آ گیا, جب تک سٹی گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں رفٹ چل رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, فنڈس کی پرابلم ہے, اوور آل سفر کون کر رہے ہیں, پیپل آف کراچی, پیپل آف پاکستان, اینڈ دیٹ از واٹ از آنسر, اس کے لیے وی آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, دس پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ کو بیٹھ کے پولیٹیکل ڈفرینس کو نکالیں, عوام کے لیے حل کریں, آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کے کراچی کے عوام کس کنڈیشن میں, ان جو آپ کے دور دراز ایریاز میں رہ رہے ہیں, کلفٹن کے نزدیک ایریا جا کے دیکھیں, جو پائپ لائن پھٹ رہی ہیں, گٹر سسٹم بند ہے, خود آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ 18 میں سے دو فنکشنل ہیں وہ بھی 50%, تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, آہستہ آہستہ وہ بھی چوک ہوتے جا رہے ہیں,
ये इसका हल की जरूरत है सर, ये इंटेंशनली किया गया है, ये प्लान के तहत किया गया है। ऑर्डर सिचुएशन ठीक चाहिए आप सही, और उसके साथ आपको कराची के हालात ठीक करें और कराची को सेफ सिटी बना लें। ठीक साहब आपका भी और डॉक्टर कयूम सुमरो साहब का भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।